आजमगढ़ शाखा पलना शाखा भरतीपुर नौपुरा में स्थित अघोराचार्य बाबा किनारा मागोर शोध एवं सेवा संस्थान के कुंड वाराणसी आश्रम पर पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के नेतृत्व में 21 सितंबर 2024 को स्थापना दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें रथ पर बाबा का छायाचित्र सजाकर 2 घोड़े और 5 फोर व्हीलर 105 मोटरसाइकिल इस यात्रा में शामिल होकर भव्य रूप से प्रभात फेरी लगभग 12 किलोमीटर तक निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख पलना अनुराग उर्फ सोनू सिंह रहे। कार्यक्रम के संचालन लाल बहादुर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस मौके पर बेचई सिंह, पूर्व प्रधान तरवा इंद्रमणि सिंह, कमलेश सिंह, मुख्तारी सिंह, विनोद उर्फ करिया सिंह, बबलू सिंह, राम अनु सिंह, मोती यादव, मोनू यादव, पिंटू पांडे, राम सिंह, संतोष चौबे, अमरनाथ, शुभम चौबे, शिवम चौबे, रामचरण प्रजापति, बाबू राम सिंह, मंगेश प्रजापति, अशोक सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पुरोहिया, न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य बाबा का आज कार्यक्रम रहा, किस प्रकार का एक कार्यक्रम रहा आज का आप लोगों का? आज का 21 सितंबर का कार्यक्रम था, जो महाप्रभु परम पूज्य अवधूत भगवान राम जी 21 सितंबर सन 1961 में अघोर लीक से हटके एक सर्वेश्वरी समूह की स्थापना किए, जो जनसेवी संस्था उसमें आकर के जनमानस को अपने साथ जोड़े और अघोर का प्रचार प्रसार किए, जगह जगह शाखा खोल करके और ये निरीह जन, आश्रित जन, जरूरतमंदों में की सहायता करने के लिए ये खोला गया और आज ये भरतीपुर शाखा से प्रभात फेरी निकाली गई, स्थापना दिवस समारोह मनाया गया और काफ़ी जनसंख्या के साथ ये कार्यक्रम अपना विगत हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। कितने वर्षों से आप लोग मना रहे हैं? 64 वर्ष हो गया इसको मनाते हुए। आगे कब तक आप लोगों की तैयारी होगी? आने वाली पीढ़ी भी इसको मनाती रहेगी। ये जो भव्य यात्रा आप लोग निकाले थे, कहाँ से कहाँ तक निकाले? हम लोग भरतीपुर शाखा से होते हुए पलना धाम पे, वहाँ जा करके हमारा एक संस्था है, वहाँ हम लोग ध्वज फहराए, वहाँ से ध्वज फहराने के बाद पलना गांव से होते हुए भरतीपुर गांव होते हुए और ये नवापुरा होते हुए आश्रम परिसर में आया। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम जनता में अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि ये प्लेटफार्म जो हम लोगों का शाखा भरतीपुर है सर्वेश्वरी समूह का, इससे हम जनहित का कार्य करते हैं।